हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्राइव डाउन। और सो आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जिसको बहुत बार लोड टेस्ट के दौरान देखा गया है, जिससे अब यह कोई सीक्रेट नहीं रहा है कि बहुत ही जल्दी बजाज अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अर्बनाइट ब्रांड नेम के अंडर ही बजाज ने एक नाम रजिस्टर करा लिया, जो कि बजाज चेक स्कूटर के नाम से। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि बजाज ने अर्बनाइट ब्रांड नेम के अंदर ही एक नाम रजिस्टर करवा लिया, जो कि है बजाज चेतक चिक इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और इसके अंदर काफ़ी वेरिएंट्स आपको देखने मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के। तो चलिए जानते हैं क्या सब स्पेशल और खास रहने वाला है बजाज के अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो जानने के लिए आपने अभी तक का वेट किया है। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि बजाज इसी अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर 2019 में 16 तारीख को अपने एक इवेंट रखने जा रहा है, जहां पर और इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी। और इस इवेंट में जो चीफ गेस्ट है वो नितिन गडकरी जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। और इस स्पेशल इवेंट का नाम होगा हमारा कल। जी हाँ, आप सब जानते ही होंगे कि बजाज का जो एक पहले स्लोगन था हमारा बजाज का, जो कि बहुत ही फेमस रहा है। और बजाज का ये चेतक जो है, ये भी नाम आप सभी ने सुना ही होगा। और शायद यही वजह है कि अपने आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी बजाज ने चेतक चिक इलेक्ट्रिक स्कूटर का ही नाम दिया है। और ये जो नाम है हमारा कल, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है आने वाले फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स एक्सेट्रा, यही सब होगा, क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग रहते हैं। और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ करने काफ़ी फायदे भी हैं, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हो, एक तो ये पेट्रोल या डीजल के मुकाबले थोड़ा आपको चीप पड़ते हैं, और साथ ही आपको ऑयल की यूसेज के लिए दूसरी कंट्रीज पर रिलाई भी नहीं करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को होने वाले स्पेशल इवेंट में, जिसका नाम रखा गया हमारा कल, जहां इसके अंदर नितिन गडकरी जी चीफ गेस्ट होंगे, वहीं अमिताभ कांत जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने पर मेनली कम्पीट करेगा एथर के प्रोडक्ट से, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी एथर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही बजाज का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसको 2019 के एंड तक लॉन्च होना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और अब ऐसा लग रहा है कि बजाज बिल्कुल टाइमली इसको लॉन्च कर देगा। और ठीक दिवाली फेस्टिवल जो है वो ऑलमोस्ट आ ही गया है, ऐसे में अगर ये टाइमिंग सही रही तो बजाज को काफ़ी एक बूम मिल सकता है अपने स्कूटर की सेल में। और इसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि ये जो बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा, ये ऐसा माना जा रहा है कि प्रीमियम कैटेगरी में ही ये लॉन्च किया जाएगा, यानी कि आप इसको कम प्राइस में लेने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले समय में बजाज और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करें जो कि बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हों, पर अभी फिलहाल इसको एक प्रीमियम कैटेगरी में ही देखा जा रहा है। हालांकि इसके जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो तो अभी आउट नहीं हुए, उसके लिए हमें 16 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। पर फिर भी हमारा ऐसा मानना है कि बजाज अपने जो ऑडियंस है, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको अच्छे से जानता है, तो इसीलिए बजाज जो है ये प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करके भी प्राइस को जो है रीजनेबल ही रखेगा। और ऐसे में जब मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और सभी कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, इस तरह से बजाज का एक टाइमली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना और इसको एक वही चेतक के नाम से जोड़ना, ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसको भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता है जितना कि बजाज के चेतक स्कूटर्स को मिलता था, ये उससे भी बेटर परफॉर्म करता है। तो सो आपकी क्या राय है इस आने वाले स्कूटर के बारे में, वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद है, आप वो भी जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सो बने रहिए ड्राइव डाउन के साथ कार बाइक वर्ल्ड की ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप ड्राइविंग।